बुंदेलखंड किसान भाई कृष कुमार के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। जब एक नया रोगजनक पैथोजन जैसा कि एक जीवाणु विषाणु परजीवी या फंगस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का एक उपभाग जिसे एंटीजन कहा जाता है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू कर देता है। एक वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। ये शरीर में इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण या आक्रमणकारी वायरस की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं जो बाहरी हमले से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। पारंपरिक टीके शरीर के बाहरी हमले से लड़ने की क्षमता को विकसित कर देते हैं, लेकिन टीके विकसित करने के लिए अब नए तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोरोना की कुछ वैक्सीन बनाने में भी नए तरीके को आजमाया गया है। कोविड वैक्सीन की तुलना फाइजर बायोएनटेक एवं मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं जिन्हें हम तैयार करने में वायरस के अनुवांशिक कोड के एक हिस्से का उपयोग किया जाता है। ये वैक्सीन एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय हिस्से का उपयोग करने की बजाय शरीर के सेल्स को सिखाते हैं कि वायरस की सतह पर पाए जाने वाला स्पाइक प्रोटीन कैसे बनाए जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन भी अलग है। वैज्ञानिकों ने इसे तैयार करने के लिए चिंपांजी को संक्रमित करने वाले एक वायरस की में कुछ बदलाव किए हैं और कोविड-19 के अनुवांशिक कोड का एक टुकड़ा भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी रही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को